हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीप हियर एंड टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द क्लास टू। द चैप्टर नेम इज यूजफुल प्लांट्स। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास टू के चैप्टर नंबर थ्री यूजफुल प्लांट्स को इस वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ जान चुके हैं, जिसका पार्ट वन वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो अगर बच्चों, अगर पार्ट वन वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले आप इस चैप्टर के पार्ट वन वीडियो को देख लीजिए, जिसका नाम है यूजफुल प्लांट्स। देन ये आप देखेंगे वीडियो तो आपको अच्छे से समझ में आए। ओके ओके, लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज वीडियो। ऑयल सीड एंड फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स गिव अस ऑयल। कुछ बीज और कुछ पौधे के, कुछ प्लांट्स के फल हम लोगों को तेल देते हैं। वी यूज ऑयल फॉर कुकिंग फूड। वी ऑल्सो यूज ऑयल फॉर ऑयलिंग आवर हेयर। और हम लोग इस तेल का उपयोग खाना को बनाने में करते हैं, कुकिंग फूड में, और अपने बालों में लगाने के लिए भी करते हैं। तो बच्चों, सनफ्लावर, सनफ्लावर में सूर्यमुखी से भी हमको क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। ऑयलिव, ऑयलिव से हमको तेल मिलता है। ऑयलिव मिस होता है बच्चों जैतून का तेल। जैतून भी, इसका भी एक तेल बनता है जो आपको नीचे दिखाया गया है। तो ऑलिव का उपयोग भी, जैतून का तेल का उपयोग हम लोग खाने बनाने में करते हैं। नेक्स्ट है मस्टर्ड मीन्स सरसों। तो सरसों से बच्चों हमको मिलता है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। फिर है कोकोनट। तो कोकोनट के अंदर बच्चों जो फल होता है कोकोनट, उसके अंदर जो पानी होता है उससे भी मिलता है हम लोग को क्या, एक ऑयल मिलता है जिसको हम बोलते हैं कोकोनट ऑयल। तो बच्चों, सीड से मीन्स बीज से और कुछ प्लांट्स के फ्रूट से हमें ऑयल मिलते हैं, हम लोगों ने इस पिक्चर के थ्रू देखा। मस्टर्ड है तो उसमें क्या है, सीड, उसके बीज से हमको ऑयल मिलती है, और कोकोनट में उसके फल से, उसके फ्रूट से हमें ऑयल मिलती है। वुड, हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वुड कम्स फ्रॉम। कभी आपने सोचा है कि लकड़ी कहां से आते हैं, लकड़ी से बने सामान कहां से आते हैं। द आंसर टू द क्वेश्चन इज, और उसका जवाब है फ्रॉम प्लांट्स। और वो सारे लकड़ी हमें प्लांट से मिलती है, वो प्लांट से आती है। ट्रीज लाइक टेक ऑक एंड पाइन गिव अस वुड। ये देखिए बच्चों, ऑक का ट्री है, इससे भी हमें बहुत बड़े बड़े और मजबूत लकड़ी मिलती है। फिर ये पाइन का पौधा है, इससे हमें लकड़ी मिलती है। और ये सारे लकड़ी का उपयोग बच्चों हम लोग मजबूत जो भी लकड़ी का सामान होते हैं उसको बनाने में करते हैं, जैसे वुडन फर्नीचर। यहाँ पे फर्नीचर सोफा आपको दिख रहा होगा, वुडन बोट आप नाव को देख पा रहे होंगे, वुडन कार्ट आप ठेले को देख पा रहे होंगे। तो ये सारे जो बनते हैं ये लकड़ी के द्वारा बनते हैं। और ये ओक ट्री हो गया, पाइन ट्री हो गया, ये सबका लकड़ी जो है बच्चों बहुत ज्यादा मजबूत होता है। मेडिसिन, प्लांट ऑल्सो प्रोवाइड अस मेडिसिन। प्लांट से हम लोग को दवा भी मिलती है। प्लांट्स लाइक नीम, तुलसी, क्लोव एंड टर्मेरिक आर यूज टू मेक मेडिसिन। प्लांट्स में जैसे हम लोग नीम, तुलसी, क्लोव, नीम हो गया बच्चों, जैसे नीम का पत्ती देखे होंगे, उसके पत्ती का उपयोग किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए। फिर तुलसी के पत्ती का यूज भी मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। क्लोव, क्लोव हो गया बच्चों लौंग, जो लौंग आप देखें उस लौंग का उपयोग भी हम लोग मेडिसिन के रूप में करते हैं। आपके टूथपेस्ट होता है, उस टूथपेस्ट में भी लौंग को मिलाया जाता है। तो दांतों के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो मेडिसिन होता है उसमें लौंग को मिलाया जाता है। फिर टर्मेरिक मीन्स हल्दी, ये सारे बच्चों जो प्लांट्स हमें मिलते हैं सारे का उपयोग मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। जैसे फिगर में बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है क्लोव्स, दिस इज टर्मेरिक, दिस इज नीम एंड द लास्ट वन इज तुलसी। ये सारे प्लांट्स से हमें खाने के लिए तो फूड मिलते ही है,
ऑयल भी मिलते हैं हम लोग को एंड साथ साथ हम लोग को मेडिसिन भी मिलती है, फिर फर्नीचर का भी जितना सामान है वो भी मिलता है, सारे हम लोग को प्लांट से ही मिलती है। अदर थिंग्स फ्रॉम प्लांट, अब कुछ ऐसे चीजों के बारे में जानते हैं जो हमें इसके अलावा प्लांट से मिलती है। अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस लर्न यूजेज, प्लांट आर ऑल्सो यूज फॉर सम अदर थिंग्स। हम लोग ने पहले पढ़ चुका है कि प्लांट्स का कहां कहां यूज किया जाता है, अब उससे थोड़ा सा आगे हम लोग देखेंगे। ओके, लेट अस रीड टू नो अबाउट देम, चलिए उनके बारे में हम लोग जानते हैं। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज टू मेक परफ्यूम्स, कुछ फूलों का उपयोग परफ्यूम्स बनाने के लिए किया जाता है, जिसको सेंट भी बोलते हैं, उस सेंट को बनाने में किया जाता है इत्र के रूप में। वी गेट गम फ्रॉम द एकाकिया ट्री, गम इज यूज टू मेक ग्लू, और एक एकाकिया ट्री है, एकाकिया का पेड़ है, जिसके जिसका उपयोग गम को बनाने के लिए, जैसे हम लोग गोंद देखते हैं, फेविकॉल देखते हैं, फेविक्यूक देखते हैं, ये सारे ग्लू को बनाने के लिए इस ट्री का यूज किया जाता है। वी गेट पेपर फ्रॉम प्लांट्स, और जो पेपर होती है जिस पे हम लिखते हैं, जो कॉपी होती है, बुक होती है, वो सारे पेज हम लोग को प्लांट से ही मिलती है। पेपर इज यूज टू मेक बुक्स एंड बैग्स, और उस पेपर का यूज हम लोग बुक्स बनाने में और बैग्स बनाने में, मिस थैला बनाने में करते हैं। We get rubber from rubber tree, हम लोग रबर के पौधे से रबर बनाते हैं। रबर इज यूज टू मेक टायर्स, इरेजर्स एंड स्लीपर, और उस रबर का यूज बच्चों हम लोग एक तो अपने रबर में इरेजर में करते हैं, जिसको कोई गलती होता तो मिटाने में करते हैं, फिर रबर के टायर बने होते हैं, रबर के ट्यूब बनते हैं, और रबर के बहुत सारे स्लीपर मिस चप्पल बने होते हैं। ये सारी चीज भी हमको मिलती है प्लांट से। प्लांट्स आर ऑल्सो यूज टू मेक थिंग्स सच एज सोप, टूथपेस्ट एंड शैम्पू। इसके अलावा भी बच्चों प्लांट से हम लोग को सोप मीन साबुन मिलती है, टूथपेस्ट मिलती है, जो हम यूज करते हैं अपने दांतों को धोने में वो टूथपेस्ट मिलती है, फिर शैम्पू मिलता है। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज फॉर मेकिंग गार्लैंड्स, और कुछ जो फ्लावर्स होते हैं उसके फूल का उपयोग माला बनाने के कार्य में आता है, जो सजावट के लिए हम लोग बहुत ज्यादा माला बनाए हुए होते हैं, आप देखते होंगे शादी विवाह में कितने अच्छे से माला से सब कुछ सजा होता है, वो सारे फ्लावर्स से ही तो हमको मिलते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर डेकोरेशन, उसका उपयोग, उस फ्लावर का उपयोग हम लोग सजावट के कार्य में भी करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने देखा इस चैप्टर में कि हम लोग के लिए प्लांट्स कितना ज्यादा नेसेसरी है, प्लांट से हमको कितनी ढेर सारी चीजें मिलती है। सबसे पहले बच्चों हम लोग तो जाना कि प्लांट से हम लोग को फूड मिलती है, फूड के रूप में हमको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिर पल्स, सीरियल्स, ये सारी चीजें हमको मिलती हैं फूड के रूप में। फिर बच्चों हम लोगों ने जाना कॉफी, शुगर, ये पीने के लिए भी हमें प्लांट से मिलती है। फिर बच्चों हम लोग ने जाना कुछ स्पाइसेस, कुछ मसाला भी है जो हम लोगों के लिए, कुछ मसाला क्या, लगभग सारे जो मसाला है वो प्लांट से ही हम लोग को मिलते हैं। फिर कुछ तेल भी होता है जो हम लोग को प्लांट से मिलती है, जिसका उपयोग हम खाने बनाने में और अपने हेयर को ऑयलिंग करने में करते हैं। फिर फर्नीचर के जितने भी सामान होते, लकड़ी के जितने भी सामान होते, सारे प्लांट से ही मिलती है। देन हम लोग ने जाना मेडिसिन, मेडिसिन में भी कुछ प्लांट्स का यूज किया जाता है। फिर कुछ प्लांट्स का यूज रबर के सामान बनाने में, पेपर बनाने में, गम बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में किया जाता है। और लास्टली हम लोग ने जाना कि फ्लावर्स का यूज हम लोग, कुछ फ्लावर का यूज डेकोरेशन में भी करते हैं और माला बनाने में भी करते हैं। तो बच्चों आप लोग इस चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम था यूजफुल प्लांट्स, प्लांट्स के उपयोग के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।
और काफी ज्यादा आप प्लांट्स के इंपॉर्टेंस को अब समझने लगे होंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर के साथ। थैंक यू।